मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 3 नवंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे अंदर बाहर साफ बनो, कोई भी गंदी आदत अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। और बाबा ने आज प्रश्न पूछा है कि ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं पर ध्यान रखना है। और उत्तर में बाबा बता रहे हैं कि पहला पॉइंट क्या ध्यान में रखेंगे कि इस जन्म में बाप का बनकर ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा भोगनी पड़े। और दूसरा, बाप को अति मीठा है, वह तुम्हें आप समान बनाते हैं, इसलिए मुख से कोई कड़वा बोल ना निकले जिससे दूसरों को दुख हो। तीसरा पॉइंट, दुख हरता सुख करता के बच्चे बन सबको, बाबा कहते हैं उनके दुख हरने हैं, आपने सबके दुख हरने हैं, मनसा वाचा कर्मणा सुख देना है। और चौथा पॉइंट बाबा ने कहा कि स्तुति निंदा में समान रहना है। ओम शांति। सतगुरु वार को वृक्षपति डे भी कहा जाता है। वृक्षपति डे अर्थात बाप का दिन। उमावस के दिन अंधियारी रात पूरी होती है, फिर दिन शुरू होता है और चंद्रमा उदय होना शुरू होता है। और आजकल जिनका पितृ होता है उसको खिलाए पिलाए पूरा करते फिर मांगना नहीं होता है। बाबा कहते सबको तृप्त किया जाता है, दिन में चले गए फिर रात में लौट आने की दरकार ही क्या है। असल कायदा ये है कि 12 मास का समय जब पूरा होता है तो उनको खिलाकर खलास करना होता है, फिर अंधियारी रात में क्यों बुलाया जाता है। बाबा पितरों के संबंध में बता रहे ना, बाबा कहते हैं परंतु ब्राह्मणों ने यह भी रस्म रिवाज बना दी है, वह चली आती है, दक्षिणा आदि मिलती रहेगी। बाबा कहते वे है हद की उमावस, अब बाप आया है बेहद की उमावस में। बाप आते हैं तो आधा कल्प का अंधियारा पूरा होता है, फिर सतयुग में सोझरा ही सोझरा होता है, वहां कभी कोई पितृ आदि नहीं खिलाएंगे, फिर यह है बेहद की उमावस। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात पूरी हो दिन आ जाता है, फिर कोई पितृ आदि खिलाते नहीं, वहां ब्राह्मण ही नहीं होते। बाबा कहते ऐसे नहीं कि कोई मरते नहीं है, परंतु यह रस्म रिवाज नहीं होता है। बाबा कहते यहाँ तो अनेक प्रकार के ब्राह्मण भी हैं, अब चाहते हैं कि एक वर्ड हो, एक नेशन हो। बाबा कहते अब इतने सबका एक नेशन तो हो ना सके। हाँ, एक राज्य एक रस्म रिवाज थी जब सतयुग था, वह तो बाप ही आकर स्थापन करते हैं। बाबा कहते वहां सब कुछ मीठा होता है, सब बिल्कुल ही मीठे होते हैं, दुख की बात ही नहीं होती, कब कड़वा बोलते ही नहीं, पाप करते ही नहीं। बाबा कहते अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे नंबरवार, ऐसे नहीं कि कोई वहां चोरी आदि करेंगे, नहीं, अंदर बाहर साफ रहता है, यहाँ अंदर एक बाहर दूसरे होते हैं, कितना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। बाबा कहते ये सब है रावण राज्य की गंदी चंचलता, बाबा अब इसको एकदम खत्म करा देते हैं। बाकी एकदम झट से गंदी आदतें तो खत्म होती नहीं, टाइम लगता है। बाबा कहते जितना जितना योग में रहेंगे, कदम कदम पर देखते रहेंगे कि हम योग में रहते हैं, कोई पाप कर्म तो नहीं करते हैं, खुद मीठा बन फिर औरों को मीठा बनाता हूँ। बाबा कहते खुद ही कड़वा होगा तो दूसरों को मीठा कैसे बनाएगा, यहाँ ऐसे झट प्रत्यक्ष हो जाते हैं, बाबा कहते छिप ना सके। बाप कहते हैं हमारा बच्चा बन और कोई उल्टा सुल्टा काम करेंगे तो बहुत कड़ी सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं देवता बनाने के लिए, देवताओं की महिमा गाते हैं, क्या गाते हैं कि संपूर्ण संपन्न अहिंसा परमो धर्म। बाबा कहते हैं हिंसा दो प्रकार की होती है, एक तो काम कटारी की हिंसा से मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते हैं, और दूसरा फिर क्रोध में आकर एक दो को मारते दुख देते दुखी होते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो बच्चों को कहा जाता है
कि मनसा वाचा कर्मणा ऐसा कोई काम नहीं करना है, कोई को दुख नहीं देना है। हम हैं ही दुख हरता सुख करता के बच्चे, तो सबको यही युक्ति बतानी है। बाबा कहते तुम कैसे दुख हर कर सुख दो, दिए हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। यहाँ बाप समझाते हैं इस जन्म में जो कुछ पाप कर्म किए हैं बतलाने से आधा कट जाएंगे, परंतु अनेक जन्मों के किए हुए पाप कर्म तो बहुत है ना सिर पर। तो अभी बाप समझाते हैं कि इस जन्म में भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसका पाप बने और फिर योग बल से अनेक जन्मों के पाप अवगत कर्म भस्म करने हैं। इस जन्म में बाप का बनकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण बनने बिगर वर्षा मिल ना सके। बाबा कहते ये है बाप दादा ना, वर्षा तुमको इनसे मिलता है, इनसे नहीं, यानी कि बाप दादा तो इकट्ठे हैं लेकिन वर्षा किनसे मिलता है, उनसे शिव बाबा से, ब्रह्मा से नहीं। ब्रह्मा तो निमित्त हैं हमें वो वर्षा दिलवाने के। बाबा कहते यह अपने को कुछ नहीं कहलाता, यह तो सिर्फ रथ है, इनसे तुमको मिलता कुछ नहीं। रथ भी तो गाया जाता है ना, हुसैन का रथ निकालते हैं ना, घोड़े को कितना सजाते हैं। बाबा कहते ये तो पतित तन है ना, यह भी अभी सज रहा है। कैसे? अपने पुरुषार्थ से ही सजते हैं, इनकी बाबा तरफदारी नहीं करते हैं। यह तो बाबा कभी कभी हंसी करते हैं कि किराया तो मिलेगा ना, तो क्योंकि ब्रह्मा तन का यूज करते हैं शिव बाबा, तो ब्रह्मा बाबा कभी कभी हंसी करते हैं कि मुझे किराया तो मिलेगा ना, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, परंतु पुरुषार्थ जैसे तुम्हें करना है वैसे इनको भी करना होता है। बाबा कहते यह लालच नहीं रहती कि हमको किराया देंगे, यह तो बाबा हंसी करते हैं, मजाक में कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं पुरुषार्थ ब्रह्मा को भी करना पड़ेगा, जैसे आपको करना पड़ेगा वैसे इनको भी करना पड़ेगा, और करना पड़ता है, करते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा को योग बल से ही सत्व प्रधान बनना है, जितना योग होगा उतना पावन बनेंगे और फिर आप समान भी बनना है, बनाना है। तुम बच्चे जानते हो जो अच्छे अच्छे सर्विस करने वाले हैं वह नामी ग्रामी हैं, बाबा सर्विस पर भेज देते हैं। बाबा कहते बहुत मीठा बोलना होता है, कोई से लड़ना झगड़ना नहीं है। ब्राह्मण अगर कड़वा बोलते हैं तो कहेंगे इनमें तो क्रोध का भूत है, ठीक है। तो बाबा कहते स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए, बहुतों में क्रोध का भूत है, उससे बहुत नाराज होते हैं। ऐसा नहीं कि सबका क्रोध निकल गया है, बाबा कहते जब तक संपूर्ण बनने का समय आए तब तक धीरे धीरे खाद निकलती रहेगी। ऐसे कोई ना कह सके कि हमारे में क्रोध नहीं है। बाबा कहते कोई में जास्ती कोई में कम होता है, कोई कोई का आवाज ही ऐसा होता है जैसे लड़ाई करते हैं, होता है ना, कोई इतना ऊंची बोलते इतना तेज बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई लड़ाई हो रही है। तो बाबा कहते बच्चों को तो बहुत बहुत मीठा बनना है, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। बाबा कहते विकार तो अनेक प्रकार के है ना, क्रोध करना झूठ बोलना ये सब विकार हैं। तो बाप कहते हैं कि बच्चे अभी कोई भी कर्म करेंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी, वहां तो मेरे साथ दंड देने वाला धर्मराज है। बाबा कहते यहाँ सजा मिलती है प्रत्यक्ष और लेकिन धर्मराज की सजा मिलती है गुप्त, गर्भ जेल में भी सजाएं भोगते हैं। बाबा ने कहा कि कोई को बीमारी आदि होती है तो वो भी सजा है ना, तो बाबा कहते वह भी कर्म भोग है, धर्मराज द्वारा दंड मिलता है, आगे का भी अभी मिलता है और अभी का भी अभी मिल सकता है, फिर गर्भ जेल में भी मिलता है, वह है गुप्त। धर्मराज वहां तो सजा नहीं देंगे ना, और यहाँ फिर शरीर से भोगना भोगनी पड़ती है। अब बाप हमको इनसे छुड़ा रहे हैं, परमपिता परमात्मा और धर्मराज बाबा दोनों हाजिर हैं। अभी अभी से क्यामत का समय है, बाबा कहते अभी सभी के क्यामत का समय है, हर एक की जजमेंट होती है, यह भी ड्रामा में नूंद है। जबकि तुम बच्चे समझते हो कि संपूर्ण बनना है तो कोई भी पाप कर्म नहीं करो, अपने कल्याण के लिए जितना हो सके उतना पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है, वह पढ़ाई होती है एक जन्म के लिए और दूसरे जन्म में फिर दूसरी पढ़ाई, बाबा कहते यह है 21 जन्मों की। अविनाशी बाप अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते हैं,
जिससे 21 जन्मों के लिए अविनाशी पद भी मिलता है। बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। पापा कहते, तुम बच्चे जानते हो कि यह पुरानी दुनिया है, नई दुनिया में भारत अकेला था। पापा कहते, अब फिर वही चक्कर चलना है, नई सृष्टि स्थापन हो, पुरानी का विनाश होगा। यह तो गाया हुआ है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाबा कहते, ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, तो जरूर पवित्र भी बनते होंगे, राजयोग भी सीखते होंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो पवित्र बन रहे हैं। बाप ये नहीं कहते कि घर बार छोड़ो, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। यह बाप दादा नाम बहुत अच्छा है, दादे से वर्षा मिलता है। बाबा कहते, वह है ऊंच ते ऊंच। ब्रह्मा तो पतित था ना, यह पहले पहले श्रेष्ठाचारी पूज्य महाराजा था और अब अंत में आकर पतित बन गया है। ये है इनका अंतिम जन्म। इस दुनिया में कोई पावन है ही कहाँ, पावन दुनिया में कोई याद नहीं करते। बाबा कहते, गाया भी हुआ है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाबा कहते, इसका हिसाब भी तुमने समझा। सूर्यवंशी जो हैं वह पहले पहले अपना वर्षा लेने आएंगे। अब आत्मा शरीर छोड़कर गई, कहते हैं स्वर्ग पधारा, फिर उनको नरक में मांगने की दरकार ही क्या है। बाबा कहते, फिर उनको क्यों मंगाना है वापस इस नरक में। बाबा कहते, बच्चे कुछ भी समझते नहीं है। साधु संत आदि भी मरते हैं तो उनकी भी वर्षी मनाते हैं, भोग लगाते होंगे। जब कहते हैं ज्योति जो समाया, फिर भोग क्यों लगाते हैं। बाबा कहते, वर्षी क्यों मनाते हैं, शरीर तो खलास हुआ, आत्मा भी गई, फिर आत्मा को बुलाने की क्या दरकार है। बाबा कहते, ज्योति में लीन हो गई, फिर आ कैसे सकती है। अनेका अनेक मत हैं। ऐसे भी कहते हैं कि मनुष्य मोक्ष पाता है फिर आता नहीं। बाबा कहते, मोक्ष को पाया तो और ही खुशी मनाना चाहिए ना, कि पाठ बजाने से छूट गया, फिर तो उनको याद भी नहीं करना चाहिए। बाबा कहते, यह भी तुम जानते हो, सभी मनुष्य मात्र एक बाप को याद जरूर करते हैं। मानते भी सब भाई भाई हैं, तो भाइयों को बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। सर्व आत्माओं का सदगति दाता एक है, सभी आत्माओं को वापस जाना है। मनुष्य मनुष्य को सदगति कैसे दे सकते, इसलिए एक ही सर्व के सदगति दाता का नाम मशहूर है। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है, वह बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सभी को रावण राज्य से छुड़ाते हैं। इनको बेहद की अमावस कहेंगे। बाबा कहते, आधा कल्प है बेहद की रात, फिर आधा कल्प है बेहद का दिन। यह खेल है। जब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वाले बुलाते हैं तो बाबा कहते, शांति कैसे हो, तो वहां बताना चाहिए कि एक धर्म एक मत सत्युग में होता है। उनको 5000 वर्ष हुए, वहां सुख शांति सब था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अब कहते, नई दुनिया में एक ही धर्म था और पुरानी दुनिया में झाड़ कितना बढ़ जाता है। अनेक धर्म है सब, अब अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना, यह बाप का ही काम है। शिव बाबा कहते हैं, ये हमारा काम है, हम कल्प कल्प आकर ये काम करता हूँ। सत्युगी राजधानी के लिए राजयोग जरूर संगम पर ही सिखलाएंगे। सभी पतितों को पावन बनाते हैं, कहते हैं मैं आता हूँ बहुत जन्मों के अंत के, जन्म के अंत में, बहुत जन्मों के अंत के, उसके भी जन्म के अंत में। बाबा कहते, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनके ही रथ में आकर समझाता हूँ। नई दुनिया तो है ही नहीं, पुरानी दुनिया में ही आकर नई दुनिया बनाता हूँ, पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। बाबा कहते, मेरा नाम ही है दुखहर्ता सुखहर्ता, सुख में मुझे कोई याद नहीं करते, दुख में मुझे याद करते हैं, तो जरूर सुख मिला हुआ था। पाप कहते हैं, मैं आया हूँ पढ़ाने, अब पढ़ना तुम्हारा काम है। मनुष्य तो घोर अंधेरे में है, तुम भी कुछ नहीं जानते थे। बाबा कहते, इस समय सारी दुनिया का बेड़ा डूबा हुआ है, कितने दुखी हैं। तुम सबका बेड़ा पार करते हो, सब शांति धाम में चले जाएंगे। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं, सो भी नंबरवार। बाबा कहते, जो लाइट हाउस बने होंगे वह दूसरों को भी रास्ता बताते रहेंगे, उनका काम ही है रास्ता बताना। बच्चों को बाप कैसे पढ़ाते हैं, यह तो स्थाई खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते, यहाँ आकर फिर रिफ्रेश हो जाते हो और बाहर जाने से नशा ही गुम हो जाता है।
बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी चाहिए। कदम कदम पर बाप से राय लेते रहना है। आगे तीर्थों पर पैदल जाते थे, बहुत खबरदारी से जाते थे। तो बाबा कहते इस समय तो बस ट्रेन में जाते हैं, माया का इस समय भपका बहुत है। अब फिर पिछाड़ी में शुरू हुआ है। बाबा कहते इनको माया का पंप कहा जाता है। जिसको कहो चलो स्वर्ग में तो कहते हैं हमें यहाँ ही सुख है, मोटरें एरोप्लेन आदि सब हैं। बाबा कहते हैं हमारे लिए स्वर्ग यहाँ ही है। वो कहते हैं कि हमारे लिए स्वर्ग यहाँ ही है, धन माल जेवर आदि सब है। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण को भी जेवर है ना, हम भी पहन सकते हैं। कितना भी समझाओ फिर भी विश्व ही याद रहता है। बाबा कहते विश्व बिगर रह ही नहीं सकते। बाप कहते हैं कि तुम मेरी बात मानते नहीं हो, पावन नहीं बनते हो तो मुझे बुलाते ही क्यों हो कि हे पतित पावनाओ। बाबा कहते याद रखना, अभी नहीं मानेंगे तो धर्मराज द्वारा सजा दिलाएंगे। डराते भी बहुत हैं, तुम बच्चे विकार में जाते ही रहते हैं। बाबा कहते डर ही नहीं है, वे कितने हंटर खाएंगे बात मत पूछो। बाबा कहते पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए ना। संग दोष में ऐसा गिर पड़ते हैं जो एकदम अपना पद गवा देते हैं। बाबा कहते तुम जानते हो अभी हीरो आदि की खानियां खाली होती जा रही हैं, फिर भर जाएंगी। सोने हीरों के पहाड़ होते हैं, हीरे जब खोद कर निकालते हैं तो पहले पत्थर होते हैं, फिर उनको साफ कर हीरा बनाते हैं। बाबा कहते तुमको भी ज्ञान सिरान पर चढ़ाते हैं तो तुम कितने अच्छे हो जाते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला पॉइंट है कि अभी कयामत का समय है, इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, अपने कल्याण का पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, क्रोध को छोड़ देना है। और सेकंड पॉइंट है बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी है, कदम कदम पर बाप की राय लेनी है, बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। और वरदान है स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। बाबा कहते पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाएं। धर्मराज के सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना। बाबा कहते ये पास विद ऑनर होने वालों की निशानी है। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा ना हो, ऐसी प्रतिज्ञा करो तब पास विद ऑनर बनेंगे। और स्लोगन है ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।